हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीडियो में एमपी पटवारी परीक्षा 2023 3 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आपको बता दें, जिन लोगों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें अपने सारे क्वेश्चन, जिससे मैं आने वाले शिफ्टों में एनालिसिस कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजे थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जैसे कि राहुल है, दिनेश है, संजय, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह पहली बार 1973 में मनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 को पहली बार संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति बने थे। इसी दिन 21 तोपों की सलामी दी गई थी। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार चुनी हुई संसद की विभेद पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि 13 मई 1952 को उन्होंने ये पद पर गोपनीय शपथ ली थी। ओके, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ओके, और वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा करलम मलेश्वरी। कौन थी? करलम मलेश्वरी, भारत का एक सिर ऊंचा करने वाली एक महिला, जो बैडमिंटन ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला करलम मलेश्वरी। नए भार वर्ग की चुनौती और खबर फॉर्म के पीछे दो छोड़ते हुए भारतीय महिलाओं को जगाया विश्वास। पिछले कुछ दशकों में भारतीय महिला एथलीट ने ओलंपिक देश का नाम गौरवान्वित किया है। ओके, कब जीता था? तो सन 2002 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 2 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को समझाना एवं कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसे कंप्यूटर की साक्षरता कहा जाता है। इसे सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। ओके, इसकी खोज करते कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हैं। ओके, कंप्यूटर की पितामह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल इंडेक्स में कौन सा संस्करण जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18वां संस्करण। कौन सा? 18वां संस्करण जारी किया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें, डेली एनालिसिस होता है और जो एनालिसिस होगा 26 अप्रैल तक चलेगा एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सैलम मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश की कुरनूल में श्री सैलम मंदिर परिसर में आंध्र प्रदेश राज्य को श्री सैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिकता को लेकर महाभारत के शांतिपुर के एक आधार एक महाकाव्य की रचना की गई थी। यह उस समय लिखा गया था जब वह द्वितीय विश्व युद्ध की यादें कवि के मन में ताज़ा थीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज की 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसकी संस्थापकों में से एक कौन थे? डॉक्टर A.O. हूम और दादाभाई नौरोजी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है। इनमें से कुल 6 एक अध्यक्ष यानी कि 5 सदस्य एक अध्यक्ष होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 सदस्य की बात करें तो 5 और 1 अध्यक्ष मिलाकर कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारी और उपभोक्ता कहाँ पर मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ मिलते हैं? बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानवाधिकार समिति के सदस्य को नहीं होते हैं तो कौन नहीं होते? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक स्वागत विदित संस्था है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप भारत को किसने हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने। किसने हराया था? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी 2022 के विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर पिक पैंथर्स। कौन थे? जयपुर पिक पैंथर्स, जो प्रो कबड्डी 2022 की विजेता थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य के लोक नृत्य? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। किस राज्य का लोक नृत्य? तमिलनाडु का। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं, आपको बता दें कि जैसे कि स्टूडेंटों द्वारा बताया गया था
मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो 2022 की करंट अफेयर से आ रही है। बात करते हैं इतिहास से 3%, इकोनॉमिक्स से 2% देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान से, पॉलिटी से 1 से 2% देखने को, राजनीति से 3% देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स चुनाव से 3%, ओपीएस से 1% देखने को मिल रहा है। बात करते हैं मैनेजमेंट की लेखा विधि से 2%, उपभोक्ता के फोरम नियम से 1% देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स प्रबंध के सिद्धांत से 1%, नियोजन से 2% देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं फ्रेंड साइंस में जीव विज्ञान से 4% देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन से क्वेश्चन आ रहा है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। भौतिक विज्ञान से 5% देखने को मिल रहा है और रसायन विज्ञान से 4% देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं फ्रेंड पर्यावरण, पर्यावरण में 2% देखने को मिलता है हर सेक्टर में। अब बात करते हैं फ्रेंड गणित, गणित से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड गणित की बात करते हैं तो गणित में 35 से 3% देखने को मिला, गणित का पोर्शन बढ़ चुका है, गणित 35 से 40 नंबर के बीच में आ रहा है और रीजनिंग मिलाकर 65 नंबर की पूछी जा रही है गणित एवं रीजनिंग, जैसे एमपी पुलिस में आता था वैसे। तो बात करते हैं गणित से 3%, लाभ हानि से 3 से 4%, त्रिकोणमिति से 3% देखने को मिल रहा है। बात करते हैं फ्रेंड अनुपात से 2 से 3 क्वेश्चन, सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन, समयकार से 3 से 4 क्वेश्चन, औसत से भी 2 से 3 क्वेश्चन और कभी कभी सेक्टर में 4 भी क्वेश्चन हो जाता है औसत से। अंक गणित यानी कि गोले से 1 से 2% देखने को मिल रहा है। टोटल बात करते हैं फ्रेंड जैसे कि एडवांस मैथ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और एज से 2% देखने को मिल रहा है गणित में। आगे बात करते हैं फ्रेंड रीजनिंग, रीजनिंग में सोचने की क्षमता से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, रक्षा संबंध रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है श्रृंखला 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है श्रृंखला से। बात करते हैं आगे कोडिंग रिकॉर्डिंग यानी कैलेंडर से बात करते हैं 2% देखने को मिल रहा है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सेट में। बात करते हैं दिशा एवं दूरी से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यही 5 टॉपिक से रीजनिंग में क्वेश्चन बन रहा है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर, कंप्यूटर में शॉर्टकट कुंजी से 3% देखने को मिला है सबसे ज़्यादा है इसे। फिर बात करते हैं एमएस ऑफिस से 2%, एमएस एक्सेल से 2%, एमएस वर्ड से 2% देखने को मिला है। बात करते हैं पावर पॉइंट में 1% देखने को मिला है। बात करते हैं हिंदी, हिंदी में सबसे ज़्यादा समास एवं संधि से 3-3% देखने को मिला है। उसके बाद करते हैं बात मुहावरे एवं लोकप्रियता से 2% देखने को मिला है, अलंकार से 2% देखने को मिला है, विपरीत सार्थक से 2% देखने को मिला है फ्रेंड्स, तत्पुरुष से 2% देखने को मिला है फ्रेंड्स, वर्तनी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है अड़सठ में। फ्रेंड्स जो स्टूडेंटों द्वारा बताया गया था वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। आपको बता दें कि आपका एनालिसिस 26 अप्रैल तक चलेगा, एमपी पटवारी की परीक्षा 26 अप्रैल तक होगी। ओके फ्रेंड्स एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ आपको बता दें, और आपको बता दें पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स एक लाइक तो बनती है।